दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर के निम्स डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से विश्व कैंसर दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर डेंटल कॉलेज के पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभाग की ओर से इसमें जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही निम्स हॉस्पिटल की ओपीडी के सामने डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक की शानदार प्रस्तुति भी दी। वही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तंबाकू के दुष्प्रभाव पर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि निम्स डेंटल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मृदुला त्रेहन ने कहा कि आज के समय में कैंसर घातक रोग है, इसका फैलाव बहुत ज्यादा हो रहा है, तंबाकू इसका मुख्य कारण है। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर विशा पांड्या ने कहा कि कैंसर को रोकने के लिए सरकार को भी देश को तंबाकू मुक्त बनाना होगा। आपको बता दें कि निम्स डेंटल कॉलेज के विद्यार्थियों ने तंबाकू को रोकने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इस अवसर पर निम्स डेंटल कॉलेज के सभी शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।